चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी निकट भविष्य में बॉलीवुड केंद्र के तौर पर भी उभरती हुई महसूस हो रही है। आज शुरू हुए दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्म निर्माताओं और फिल्म निर्देशकों ने अपना उत्साह दिखाया और उसे देखते हुए इस शिक्षण संस्थान में फिल्म सिटी की संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। देश के चुनिंदा फिल्म मेकर्स की शॉर्ट फिल्म्स के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 9 फिल्मों को भी स्क्रीनिंग के लिए चुना गया। शॉर्ट फिल्म्स के साथ ही डॉक्यूमेंट्रीज, 2D एवं 3D एनिमेशन, एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन तथा VFX बेस्ड कई फिल्मों की स्क्रीनिंग आज की गई। फेस्टिवल के गेस्ट ऑफ ऑनर सिद्धार्थ मस्केरी ने अपने अंदर की आग को पहचानने पर जोर देते हुए अपने जीवन अनुभव साझा किए तथा इसके साथ ही शिल्पी झा बोस एवं शैलेंद्र सिंह सोटी ने जज के तौर पर इन चुनिंदा फिल्मों का मूल्यांकन किया। दर्शकों द्वारा मनु बुआनी द्वारा बनाई गई फिल्म न्यू क्वाइन तथा सम्राट सिंह द्वारा बनाई गई फिल्म सामान एवं पिंक लिटिल सांता ने दर्शकों से खूब तालियां बटोरी। देखिए, मैं सिर्फ आर्ट डायरेक्शन के बारे में बता सकती हूँ, ठीक है। उस आर्ट डायरेक्शन के थ्रू जो मैंने फिल्म को महसूस किया और मैंने बहुत करीब से उसके अंदर काम करते हुए सीखा जी, क्योंकि आर्ट डायरेक्शन हमारे टाइम में कहीं पर पढ़ाई नहीं जाती थी और जो फिल्म स्कूल्स थे वहाँ पर आफ्टर ग्रेजुएशन जा के लोग फिल्म की लर्निंग करते थे। तो मैं सिंपल फाइन आर्ट ग्रेजुएशन मैं करके और इंडस्ट्री में गई, तो वहाँ जितना भी सीखा वो प्रोसेस, उसके अंदर जो प्रोसेस में जब मैं गई ना तो वो मेरी लर्निंग थी। तो वहाँ मैंने कुछ चीज़ें देखी जो कि बहुत ज़रूरी है। एक आपकी कमिटमेंट ज़रूरी है, पैशन ज़रूरी है और टीम में काम करना ज़रूरी है और जिसे कहते हैं ना रिस्पेक्ट, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए जी। एक फिल्म एक डायरेक्टर का सपना हो सकता है लेकिन एक डायरेक्टर एक फिल्म को बना नहीं सकता है अकेला। अगर वो सोचे, वो स्टोरी टेलर है मगर उसकी उस स्टोरी को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे लोग पीछे उसके सपोर्ट करते हैं। तो उसमें एक मेरा जिस डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करती हूँ आर्ट डायरेक्शन, जो कि मैं समझती हूँ एक मेजर पिलर है एक फिल्म मेकिंग का, और उसके बिना आप शायद किसी फिल्म का मज़ा भी नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आप अगर कहानी को कहानी की तरह सुनते हैं और आपके जहन में जो सुनते हुए कुछ विजुलाइज करते हैं आप, उस विजुलाइजेशन को पकड़ कर उसको एक आकार देना, उसको 3D में आपके सामने प्रेजेंट करना, वो हमारा काम होता है। वो आर्ट डायरेक्टर्स करते हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स करते हैं, जो डिज़ाइन के थ्रू अपनी बात को कहते हैं। तो एक्चुअली हमारी भी एक नरेशन होती है जो जाके जुड़ जाती है डायरेक्टर के नरेशन के साथ, हम उनकी नरेशन को फुलफिल करते हैं, उसे विजुअलाइजेशन देते हैं। सॉरी, डायरेक्टर की नरेशन को विजुअलाइज करते हैं और हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर डायरेक्टर को आपने देखा होगा बहुत सारे, मतलब एक तो रियल लोकेशन में शूट होती है और एक सेट बनते हैं, सेट के बहुत सारे अपने फ़ायदे होते हैं। सेट के साथ हम किसी भी तरीके से हम अपने डिज़ाइनिंग को लेकर ना खेल सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं, हमारे पास लाइटिंग के सोर्सेज ज़्यादा होते हैं, पीसफुली हम उस चीज़ को काम कर सकते हैं। और दूसरा, अगर एक चार दीवारी है बीइंग एन आर्ट डायरेक्टर में ये कहती हूँ, और मैं मेरा जो फोटो है वो सेट स्टाइलिंग में है ज़्यादा। अगर आप मुझे एक चार दीवारी दे देते हैं, एक सेट स्टाइलिस्ट को, सेट ड्रेसर को एक चार दीवारी सिर्फ 4 walls दे देते हैं, उसके बाद आप उसे कहते हैं करेक्टर के अकॉर्डिंग उसका एम्बियंस क्रिएट करना, तो सेट स्टाइलिस्ट उसको कर देगा, ठीक है। तो उसमें आपका कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, आपका कैरेक्टर एक डॉक्टर हो सकता है, एक आर्टिस्ट हो सकता है, एक स्टूडेंट हो सकता है, एक स्पोर्ट्समैन हो सकता है। तो वो आप एक स्पोर्ट्समैन है लेकिन उसने जीन्स पहनी हुई है और टी शर्ट पहनी हुई है। अब आप वो अपने घर में है, आपको बताना है कि वो एक स्पोर्ट्समैन है, तो आप जब तक उसके एम्बियंस को क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो स्पोर्ट्समैन है। बिना कहे ये कहानी कहते हैं, तो हम बिना डायलॉग के ना अपनी कहानी कह देते हैं आर्ट डायरेक्शन के थ्रू। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।